सवाल एक और उठता है, कहते हैं कि गांव से गांव को जोड़ना, रास्ते कैसे होंगे, रास्तों का हाल क्या होगा, क्या हम पूरा परिवार अच्छे तरीके से सफर कर पाएंगे, क्या वापिस घर लौट पाएंगे। ये बहुत सारी समस्याएं थी हर किसी के मन में। तो आज के समय में छवि बदल रही है, तो इसमें भाजपा का कैसा योगदान रहा, क्या क्या कदम उठाए गए, उसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चौधरी बंसीलाल को लोग याद करते हैं हरियाणा में घर घर बिजली पहुंचाने के लिए, सड़कों से हरियाणा के हर गांव को जोड़ने के लिए। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी के शासन के बाद या उनके शुरुआती काम के बाद, इस शासन में, चाहे वो केंद्र का ये टेन्योर हो या हरियाणा की वर्तमान सरकार हो, प्रदेश में सड़क तंत्र की मजबूती के लिए पहली बार इतना व्यापक पैमाने पर काम हुआ है। हमारे जो केंद्र के भूतल परिवहन मंत्री हैं, उनका तो सरनेम भी लोगों ने बदलना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कहना शुरू किया ये गडकरी नहीं, ये पुलकरी है, ये सड़करी है। प्रदेश में और देश में नेशनल हाईवेज का, फ्लाईओवर्स का, पुलों का इतना जोरदार नेटवर्क और इतनी तेजी से फैला है, बढ़ा है, कि लोग चमत्कृत हैं। पूर्व की सरकार ने अगर हर दिन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर एवरेज नेशनल हाईवे बनता था, तो आज नेशनल हाईवे प्रतिदिन वो 35 से 40 किलोमीटर के मध्य कहीं ना कहीं उसकी एवरेज आपको बनते हुए की नजर आएगी। जब देश में ये विस्तार हो रहा है तो उसका लाभ हरियाणा को भी हो रहा है। हमारे कई स्टेट हाईवेज, उनको नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया और उन पर बहुत तेज गति से काम हो रहा है। स्टेट की जो इंटरनल रोड्स हैं उनकी वाइडनिंग का काम शुरू हुआ है। सड़कें चौड़ी हों और बेहतर बने, सड़कों की दुर्गति और आज की स्थिति का मूल्यांकन मैं यमुनानगर के लोगों पर छोड़ता हूँ। उनको अच्छे से याद है कि कभी कभार हम लोगों को आना होता था, कभी हरिद्वार जाना हो, कभी सहारनपुर जाना हो, और यमुनानगर से गुजरते थे तो क्या स्थिति होती थी। मुझे ये लगता है कि पहले के शासन में और आज के शासन में सड़कों की स्थिति अपने आप बताती है। मैं नहीं कहता सारी सड़कें A1 हो गई हैं, अभी बहुत काम करने की गुंजाइश है, लेकिन साहब सड़कों का स्वरूप, सड़कों की गुणवत्ता, वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, विजिबल बदलाव आया है। ये मेरे दावा करने की बात नहीं है, लोगों के महसूस करने की बात है। जी हाँ, बहुत सारी चीजों के तथ्यों को उल्टा पलटा गया, यूं कहें तो बहुत सारे बदलाव हमने देखे। लेकिन अब अहम मुद्दे पर बात करते हैं, जो मुद्दा शायद हर किसी के मन में एक चुभन भी है, एक टीस भी है, एक पुकार भी है, एक दर्द भी है, वो है सुरक्षा का मुद्दा। नारी की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, उस सुरक्षा को लेकर पहले के समय में और अब के समय में बदलाव तो आया है, लेकिन कहीं ना कहीं नारी के प्रति सुरक्षा को लेकर सरकार की क्या कदम है, उसके बारे में बताइए। अगर लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा अब बहुत अग्रसर है, अब बेटियों के मामले में हरियाणा बहुत आगे है। तो मैं आप ये जानना चाहता हूँ, सुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार क्या कदम उठा रही है और किस तरीके से ये सुरक्षा का चक्र मजबूत कर रही है, क्योंकि कोई भी इसे तोड़ ना पाए, जिस प्रकार से अभिमन्युओं को सिखाया गया, तो मुझे उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि सुरक्षा इन जनरल और बेटियों की सुरक्षा, मातृशक्ति की, नारी शक्ति की सुरक्षा, वो बहुत महत्वपूर्ण एक डायमेंशन है, आयाम है, जिस पर काम होना चाहिए। हमने क्या किया और पूर्व में और आज में जो अंतर है, वो उस पर मैं उसको थोड़ा सा रेखांकित करना चाहूंगा। हाल ही के समय में बलात्कार की कुछ घटनाएं हुई, उनको लेकर के मीडिया में खूब हल्ला भी मचा और एक बार की यूं लगने लगा कि एकाएक ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हरियाणा तो गढ़ बनता जा रहा है साहब ऐसे अपराधों का। मैं उस चित्रण को सही नहीं मानता। पूर्व में भी घटनाएं अपराध की लगभग इसी पैटर्न पर होती थी। यह हो सकता है उसमें मामूली वृद्धि हुई।
हुई हो, लेकिन पूर्व में और आज में एक आधारभूत अंतर है। पूर्व की सरकारों में जो शासक थे उनका सीधा सीधा संरक्षण अपराधियों को रहता था। इस प्रदेश में ऐसे लोग सरकार में रहे हैं जो बड़े बड़े क्रिमिनल से अपनी सरकारी गाड़ियों में बैठकर छक्कर के जेल में मिलने जाते थे, जेल में से अपराधियों को लाकर के बाहर घुमा करके ले जाते थे, जेलों में से फिरौतियों के कारोबार चला करते थे। वो स्थिति अब हरियाणा में नहीं है। अपराध करने वाला व्यक्ति वो छोटा हो बड़ा हो, राजनीतिक जुगाड़ वाला हो, आर्थिक ताकत वाला हो, किसी भी आयु का या वर्ग का हो, अपराधी को अपनी सरकार अपराधी की तरह ट्रीट करती है, दंडित करने में विश्वास रखती है। तो एक गुणात्मक परिवर्तन तो ये आया है। बेटियां उनके प्रति जो समाज में अपराध की वृत्ति बढ़ रही है उसको रोका जाना चाहिए, उसके लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। इस पर जब सोचना शुरू किया तो एक बात सरकार को ध्यान में आई, मुख्यमंत्री महोदय को ध्यान में आई कि भाई बहुत बार महिलाओं के मामले वो इसलिए रिकॉर्ड नहीं होते क्योंकि वो थाने जाती हैं तो उनकी वहां सुनवाई नहीं होती जी। वहां पर मेल डोमिनेंस है थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन में पुरुषों का दबदबा है, महिला अपनी बात कह नहीं पाती, कह दे तो सुनवाई नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा ने पहल की और विशुद्ध महिला थाने वो जिला केंद्रों पर स्थापित करने शुरू किए, फिर उसको सब डिवीजन पर भी हम लेकर के गए। तो उसके कारण क्या है कि अगर किसी बेटी के साथ, माता के साथ कहीं कोई उसके खिलाफ कोई अपराध होता है तो अब वो बेखौफ जाकर के थाने में अपनी बात कह सकती है, क्योंकि वहां जो थानेदारनी बैठी है, वहां जो थाना अध्यक्ष बैठी है वो भी महिला है और महिला महिला की पीड़ा अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशीलता के साथ समझ सकती है। ये एक बड़ा बदलाव आया है। लेकिन मैं मानता हूं साहब, चिंता का विषय ये है कि समाज में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और कोई कानून कितना भी सख्त क्यों ना हो, ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी कानून के भरोसे पर, केवल कानून के भरोसे पर अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं सकते। निर्भया कांड के बाद देश में नया कानून बना, सख्त कानून बना, सबने सोचा था देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले लोग अब बिल्कुल अपने दड़बों में घुस जाएंगे, बिलों में घुस जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, पूरे देश में नहीं हुआ। तो करने की जो जरूरत, मैं ये बहुत बेबाकी से कहना चाहता हूं कि ये काम निश्चित रूप से सरकार को और चौकन्ना होना पड़ेगा और अधिक सुरक्षा कर्मी इस प्रक्रिया में नियुक्त हों, जैसे पुलिस में अभी हम और भर्तियां करने जा रहे हैं, वो एक व्यवस्था है और उसको चाक चौबंद करना पड़ेगा। जितनी है उससे दोगुना भी हो जाएगी तो शायद कम रहेगी जितनी जरूरत है, परंतु ये समाज को भी तो जानना पड़ेगा। पहरेदारी केवल और केवल सरकार और पुलिस करे, ये अंदाज सोचने का गलत है। पहरेदारी घर के द्वार पर होनी शुरू करनी पड़ेगी। मां को जागना पड़ेगा, पिता को जागना पड़ेगा, भाई को जागना पड़ेगा, और मैं उससे आगे की बात भी कहता हूं, स्वयं उस बेटी को, बहन को भी जागना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा और सबल होना पड़ेगा। और अपराध करने वाला अगर कहीं उसकी ओर किसी गलत दृष्टि से एडवांस करता है तो उसके उसको उत्तर देने का उसका उसका स्वभाव, उसकी क्षमता वो बनानी पड़ेगी। इसमें समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। समाज जागे, सामाजिक संगठन जागे, और उसमें सामाजिक संगठनों की जब मैं बात करता हूं तो उसमें यस टीवी भी है, उसमें साझा रेडियो भी है। हम सबको मिलकर अपने बच्चों को सुसंस्कृत करना पड़ेगा। उसके बाद भी जो अपराध करेगा उसको दंडित करेंगे, सख्त से सख्त सजा देंगे। ये लड़ाई आज शुरू नहीं हुई है। अपराधी सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, और उसका और अच्छी शक्तियों का संघर्ष सदैव रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। कोई कानून उस संघर्ष को सदा के लिए समाप्त नहीं कर सकता है। कोई सरकार भी ये कह के नहीं बैठ सकती कि हमने सारा फिट कर दिया, इसके बाद किम में गड़बड़ नहीं हो सकती। तो इट्स अ ऑनगोइंग स्ट्रगल जी, लंबा चले। कहते हैं कि हर मनुष्य को अपनी मानसिकता पर जो बुरी सोच है उस पर अंकुश लगाना होगा और माता गौरी को दुर्गा का रूप धारण करना होगा, अपनी सुरक्षा स्वयं के लिए तैयार करनी होगी। सर, बेपाक तरीके से हर चीज को आपने हमारे समक्ष रखा,
अब एक छोटा सा संदेश मैं आपसे चाहता हूं हरियाणा वासियों के लिए, यस टीवी के सभी दर्शकों के लिए और सभी श्रोताओं के लिए, कि क्या आपका संदेश रहेगा आज के इस मुख्य विशेष कार्यक्रम में हरियाणा की गाथा में, तो क्या आपका एक संदेश है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों और श्रोताओं को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा बदल रहा है। हरियाणा में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। ये समय ऐसा है जब इन बदलावों से प्यार करने वाले, इन बदलावों से मोहब्बत करने वाले, इन अच्छे बदलावों को चाहने वाले लोग, उनको बहुत मजबूती के साथ इन बदलावों को लाने वाली सरकार के बगल में आकर खड़े होना पड़ेगा। अपने देश में और अपने प्रदेश में मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि बहुत बार अच्छाई केवल इसलिए मार खा जाती है क्योंकि जो बुरे लोग हैं, जो नकारात्मक लोग हैं, जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज और टेंडेंसीज के लोग हैं, जो नेगेटिव सोच के लोग हैं, वो एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, एकदम गठजोड़ बना लेते हैं। चोर चोर मोसेरे भाई, ये कहावत रोज साकार हो जाती है, और सौ को से भी इकट्ठे आकर के वो अच्छाई के सामने गठजोड़ बनाकर खड़े हो जाते हैं। और जो अच्छे लोग हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, वो ये सोचते हैं मैं तो साहब अच्छा हूं, मैं तो सकारात्मक हूं, बाकी मुझे किसी से क्या लेना, वो सोच करके लंबी तान करके सोता रहता है। और बुरे लोगों का गठजोड़ सच्चाई को और अच्छाई को डिफीट करने के लिए मजबूत होकर के खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए प्रदेश में। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और प्रशासन में शुचिता, पारदर्शिता, ये वो चीजें हैं जिनके लिए हम और आप तरसते रहे हैं, उनमें बेहतरी आ रही है। तो आइए बहुत मजबूती के साथ इन बदलावों को लाने वाले जो हमारा नेतृत्व है, लीडरशिप है, उसके साथ हम मुखरता के साथ खड़े हों। ये आज की तारीख में करने का काम है। आज के समय में ये संकल्प लेकर के अगर समाज खड़ा हो जाएगा, हरियाणा का समाज खड़ा हो जाएगा, और मुख्यमंत्री जी ने एक नारा जो दे रखा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इतने पर ना रुके, हरियाणवी एक होकर मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी मजबूती के साथ खड़े हों, तो फिर जो काम अभी अधूरे रह गए हैं उनको भी हम बहुत जल्द पूरा कर लेंगे, और अपना प्रदेश, अपनी तमाम नेगेटिव जो उसकी इमेज पूर्व के सालों में बनी थी, उन सबको झटक करके एक प्रबल हरियाणा, एक प्रखर हरियाणा और एक सकारात्मक हरियाणा बनकर के देश के राज्यों के समूह में एक लीडर के रूप में, अग्रिम पंक्ति के प्रदेश के रूप में खड़ा हो जाएगा। इतना ही इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं। मैं एक चीज अवश्य कहना चाहता हूं कि जय जय वीर हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। नमस्कार।